हमारे वो बच्चों की जो हर साल सिलेबस चेंज हो रहे हैं वो सिलेबस चेंज नहीं होने चाहिए, और बच्चों के पेरेंट्स के भी भार पड़ता है और पर्यावरण पर भी भार पड़ता है। तो हम ये ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई जो बार बार आप सिलेबस चेंज कर रहे हो तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी नुकसान तो बहुत है पर्यावरण पे, पेड़ की कटाई होती है हमारे, और बच्चों पे भार पड़ता है, पेरेंट्स पे भार पड़ता है, और बार बार वो खरीदारी करनी पड़ती है उनको, सिलेबस चेंज होता है तो बुक्स वगैरह, और ना तो किसी के काम आती है वो, हर साल की तरह चेंज होती है तो किसी के काम भी नहीं आती है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई बार बार चेंज नहीं हो सिलेबस, और जो जरूरत हो वही चेंज करो, और ज्ञान पुराण की बातें उसमें शामिल करो ताकि बच्चों पे थोड़ा असर रहे। वेद पुराण भी नहीं है, सारे चले गए वो भी अब, तो उन वेद पुराण की बातें भी डालनी चाहिए उसमें। वो बच्चों की जो हर साल सिलेबस चेंज हो रहे हैं वो सिलेबस चेंज नहीं होने चाहिए, और बच्चों के पेरेंट्स के भी भार पड़ता है और पर्यावरण पर भी भार पड़ता है। तो हम ये ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई जो बार बार आप सिलेबस चेंज कर रहे हो तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी नुकसान तो बहुत है पर्यावरण पे, पेड़ की कटाई होती है हमारे, और बच्चों पे भार पड़ता है, पेरेंट्स पे भार पड़ता है, और बार बार वो खरीदारी करनी पड़ती है उनको, सिलेबस चेंज होता है तो बुक्स वगैरह, और ना तो किसी के काम आती है वो, हर साल की तरह चेंज होती है तो किसी के काम भी नहीं आती है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई बार बार चेंज नहीं हो सिलेबस, और जो जरूरत हो वही चेंज करो, और ज्ञान पुराण की बातें उसमें शामिल करो ताकि बच्चों पे थोड़ा असर रहे। वेद पुराण भी नहीं है, सारे चले गए वो भी अब, तो उन वेद पुराण की बातें भी डालनी चाहिए उसमें।